वेलकम टू माई चैनल। और आज हम एक बहुत ज़्यादा नया वाला फिश लाने वाले हैं। और वो फिश टैंक को हम कहाँ रखने वाले हैं? अपने बिल्कुल मॉन्स्टर टैंक के नीचे। जब तक हमारा मॉन्स्टर टैंक नहीं आ रहा है एरवाना वाला, क्योंकि उसे बनने में कुछ दिन समय लगने वाले हैं, तो आज हमने सोचा है कि एक छोटा सा मछली हम लेके आएँ जो कि थोड़ा सुंदर भी हो और सिकलेट वैरायटी की ही हो। तो आज वो हम लाने वाले हैं, तो उसे हम यहाँ सेटअप करने वाले हैं। और वो कौन से टैंक में सेटअप करने वाले हैं हम आपको ऊपर जाके दिखाने वाले हैं। हमारे एक पास एक पुराना टैंक है जो बेटा फिश का टैंक था, उसमें हम सेटअप करने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा बढ़िया वाली मछली लाने वाले हैं, आज जाके देखेंगे, क्योंकि मुझे बहुत दिन से कुछ नया मछली लाने का मन कर रहा था और इन सबसे हटकर होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो आज वो मछली लाने वाले हैं। तो चलो पहले आपको एक्वेरियम दिखा देता हूँ कि वो कहाँ पे है और किस किस हालत में है। तो चलो ऊपर लेके चलता हूँ आपको। तो ये है वो टैंक जिसका हम बात कर रहे थे नीचे, और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। बहुत दिन से ये बंद पड़ा हुआ था और देख सकते हैं गंदा कितना ज़्यादा हो चुका है। तो चलो इसे साफ़ करना है और फिर इसमें सेटअप करेंगे और मछली लाएंगे और देखेंगे कि कैसी लगेगी हमारी प्यारी सी मछली। तो चलो इसे लेके चलते हैं नीचे और क्लीन करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मछली डाल के और कौन सी मछली है वो भी बताऊँगा। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो चलो चलते हैं इसे लेके। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारा सामान निकाल लिया है और अब इसे साफ़ करते हैं। देख सकते हैं कितना सारा गंदा है, इसमें फंगस लग रही है मुझे लग रहा है। तो हम ये वाले स्क्रब का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ही हल्के हाथ से भी देख सकते हैं ऐसा दिख रहा है। और इसे हम क्लीन करेंगे, देख सकते हैं कैसा दिखेगा। ये देखो पूरी की पूरी गंदगी इसमें की निकल जाएगी। ये देखो बहुत जम चुका है भाई पूरा का पूरा ही। तो इसे क्लीन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि स्क्रैच नहीं आए और ऐसा क्लीन करना है। ये देखो बहुत गंदगी है भाई। तो चलो क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं इसे पूरा क्लीन करने के बाद और पूरा नीचे सैंड हटाने के बाद। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसे अच्छी तरीके से धो वो के सब अच्छी तरीके से करके देख सकते हैं इसे पूरा क्लीन कर लिया है और आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लीन। और ये यही रहने वाला है जब तक हमारा मॉन्स्टर टैंक नहीं बन जाता, क्योंकि मॉन्स्टर टैंक में कुछ टाइम लग सकता है। तो फिलहाल के लिए हमने ये वाला टैंक यहाँ रख दिया है और ये बहुत ज़्यादा ईजी टू मेनटेन होने वाला है। तो हम बहुत अच्छी वाली मछली लेके आने वाले, तो चलो लेके आते हैं कुछ मज़ेदार सी मछली जो हमारे इस छोटे से टैंक में रह सके। और सिर्फ हम दो ही लाएंगे और देखते हैं अगर वो हमें बच्चे देने वाली मिली तो और भी ज़्यादा अच्छा है, या फिर देखते हैं जैसा भी होने वाला है। तो चलो लेके आते हैं। दोस्तों फाइनली हमने एक और मछली ले आई है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन सी मछली है। ये देखो भाई ये वाली फ़िश मैं लाया, इसे हम कॉन्विक्ट सिकलेट कहते हैं। और देख सकते हैं ये बिल्कुल पैरोट फिश जैसे दिख रही है और आपको मैं पैरोट फिश दिखा भी देता हूँ। ये देखो पैरोट फिश है ये, हट भाई मुड़ जा, सेम इन्हीं की जैसे दिख रही है, लगता है ये इन्हीं की फैमिली की है। ये देखो आप लोग को दिख जाएगा सेम टू सेम है भाई ऐसे ही, बस ये थोड़ी अलग है। और ये एक मैंने मेल और फीमेल लाया है ताकि अच्छी तरीके से इसमें ब्रीड कर सके। भाई ये तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और ये सिकलेट फिश है, तो क्या पता हम जब इसे बड़ा कर लें तो हम इसे इसमें भी डाल सकते हैं, तो क्या मालूम। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो हम इसमें डालेंगे। और ये बहुत सही साइज़ की है और ये बच्चे देने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी भी है। और मैं आपको बताऊंगा जब हम ये टैंक में डाल देंगे इसे। और हम पानी किस टैंक का लेंगे? हमारे मॉन्स्टर टैंक का लेंगे, आधे से ज़्यादा पानी मॉन्स्टर टैंक का ही रहने वाला है। और फिर हम उसमें नया पानी डालेंगे और देख सकते हैं थर्माकोल मैंने रख दिया है और इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पीछे ही हमारा सब चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलो इसे सेटअप करते हैं और इसे थोड़ा सा हाइडिंग स्पेस देना पड़ेगा हमें, तभी ये बच्चे दे पाएंगी, नहीं तो ये कोई मतलब नहीं होगा इसे। तो चलो बहुत जल्दी इसे करते हैं सेटअप और फिर डालते हैं। और आगे मैं आपको इसका प्राइस बताने वाला हूँ कितने का पड़ा मुझे और कैसी है, जो भी है सब बताऊँगा, फीडिंग के बारे में भी बताऊँगा। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर पर आपसे जब इसे सेटअप करने के बाद। और देखो कितना ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है, वाह। तो चलो इसे खोल के रख देते हैं ताकि इसका ऑक्सीजन थोड़ा कम हो गया होगा तो हम इसे वापस दे सकें। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा फ्लो आ रहा है इसका भाई, ये टैंक जब से ऊपर हो गया ना तब से इसका फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और थोड़ा सा पानी यहाँ भी गिर गया है तो कोई दिक्कत नहीं है और फ्लो तो बहुत बढ़िया है भाई, मज़ा आया। ये एक अच्छी चीज़ हुई भाई, पानी निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी हमें। और चलो मैंने थोड़ा सा बाहर का पानी भी डाला है और अब डालेंगे आधे से ज़्यादा हमारे मॉन्स्टर टैंक का पानी और फिर उसके बाद हम फिश छोड़ेंगे। और फिर इसका लाइट भी देखना है और इसमें जो फ़िल्टर था वो ढंग से चल नहीं रहा था, उसे भी बनाना है, तो बहुत सारा काम है यार। तो चलो इसे पहले डाल लेते हैं। हेलो दोस्तों टैंक हो चुका है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है भाई। ये देखो ब्लू कलर का टैंक है, और ब्लू कलर का तो नहीं है, रेड कलर का है, लेकिन इसका बेस जो है ब्लू कलर का है
और उसके वजह से पूरा ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, और मैंने इसमें जानबूझ के सैंड नहीं डाला है, और ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। और अब डालेंगे इसमें हम अपना मछली, क्योंकि मछली बहुत देर से वैसे ही है और हम इसमें काम करने में बिजी हो चुके थे, और पानी वगैरह मैंने सब इसी का डाला है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें फ़िल्टर लगाना बाकी है, और पीछे देख सकते हैं थोड़े थोड़े स्पॉट्स है जो कि निकल नहीं रहे थे, और मैंने उसे निकालने की कोशिश नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रैच आ सकते थे। तो फिलहाल के लिए अब मछली डाला जा सकता है, और नीचे कुछ कुछ डेकोरेशन आइटम भी लगाने हैं। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि मछली डाल दूँ, उसके बाद डेकोरेशन कर लेंगे, क्योंकि मछली पैकेट में बहुत देर से बंद है, तो इसीलिए चलो पहले मछली डाल लेते हैं। भाई ये देखो मछलियाँ, टडडडा क्या मस्त दिख रहा है भाई मछली, और इनके बच्चे होंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा भाई। तो इसे खोलते हैं ठप ठिप ठप, और इसको लगाते हैं अंदर, और अब दिखाता हूँ आपको मैं मछलियाँ। ये देखो भाई क्या मस्त दिख रही है भाई, मज़ा आ गया मुझे ये मछली ला के। और इस टैंक में तो ये सिर्फ दो ही रहेंगे, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है टैंक। तो छोड़ते हैं इसे थोड़ा 15 मिनट के लिए, और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि ये मछली इसमें कैसे रहेंगी, और बच्चे कब होने वाले हैं, और प्राइस तो मैं आखिरी में ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को, तो उसका वेट ज़रूर करना। और बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ी मछली, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो चलो छोड़ते हैं 15 मिनट के लिए। पैकेट हमने खोल लिया है, और अब डालेंगे हम अपनी प्यारी वाली मछली को इसके अंदर, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और एक बार टैंक हमको बाहर से भी क्लीन करना पड़ेगा। ओ भाई चलो डालते हैं, अब कहाँ घुस गई भाई तुम, ये देखो हम सीधा हाथ डुबाने वाले हैं इसके अंदर। ये देखो मछली भाई, आजा बेडी आजा, चलो भाई आ जाओ बाहर, बहुत हो गया तुम्हारा, काटना बस मत भाई मेरे को, क्योंकि इन लोग बहुत ज़्यादा बड़े हैं और इन लोग काट भी सकते हैं, लेकिन इतने छोटे हैं कि क्या ही काटेंगे मुझे। आजा बेटे, ये काटना नहीं, मुझे एक हाथ से बन नहीं रहा यार, कितनी ज़्यादा ब्लैक है यार ये भाई, मज़ा आ गया। अरे भाई आ जा भाई आ जा, हाँ अब आ गई भाई एक मछली तो हाथ में आ गई मेरे, ये देखो वाव ब्यूटीफुल भाई। अभी आपको दिखेगी टैंक के अंदर हमारे, और इसको भी निकाल लेते हैं भाई, इसे हम क्यों वेट करा रहे हैं इतना, आजा बड़ी। ये पता है बड़ा वाला मेल है हमारा, बहुत बड़ा है, छोटी वाली फीमेल है। तो मछली मैंने डाल दी है, और कुछ टॉयज डालने की ज़रूरत है जो कि इसमें पुराने से थे, और उसे भी हम डाल ही देते हैं, हमें क्यों इतना खाली रखना टैंक को, इससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। इसे बीच में रखते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे हमारा टैंक, और ये वाला जो हमारे पास फ्लोरोसेंट ट्यूब था इसे भी हम डाल देते हैं कुछ इस तरीके से, जहाँ जाना है वहाँ गिरे। अरे भाई कहीं भी मत गिरे भाई, थोड़ा साइड में रख देते हैं बस, और कुछ भी नहीं डालेंगे। और वैसे तो मुझे इस प्लांट का भी मतलब नहीं लग रहा है, ना खास दिख नहीं रहा है, तो इसे बाहर निकाल देते हैं, सिर्फ एक ही ट्यूब डाल देते हैं जो कि थोड़ा सा अच्छा लगे। ये देखो सिंपल सा है, क्योंकि ये ब्रीडिंग टैंक है तो इतना ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें एक छोटा सा मटका डालना है, क्योंकि ये मटके में ही देंगे जैसे पैरोट फिश देती है वैसे ही ये भी देंगी। और मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, इसे ये मुझे 160 की पेयर पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बढ़िया। और कलर देखो भाई, कलर ही सबसे ज़्यादा अच्छा है इसका, और अगर ये वाला मछली हम इसमें डालते तो ये दिखती नहीं, बिल्कुल ही नहीं दिखती भाई। ये देखो ये आ गई हमारे पास, कैमरा देख ही नहीं और कहीं भी आ जाती है ये मछली, सब देखो सब। तो ये देखो मछली कितनी ज़्यादा बढ़िया दिख रही है भाई, मज़ेदार
और मैं आपको आखिरी में फिल्ट्रेशन सेटअप करके दिखाता हूँ, और जो होगा जैसा होगा आगे मैं आपको अपडेट देता जाऊँगा ये कब देंगे बच्चे। और फीडिंग तो अभी हम इसे ब्लड वॉर्म ही देंगे, सिर्फ और सिर्फ ये ब्लड वॉर्म ही देंगे, क्योंकि ये ब्रीडिंग पेयर है तो इन्हें अच्छा अच्छा खाना देना पड़ेगा, प्रोटीन वाला खाना देना पड़ेगा ताकि अच्छी तरीके से ये पक जाएँ और फिर ये बच्चे दें अच्छी तरीके से। तो सब चीज़ देखना पड़ता है, तो इसका फिल्टर ले आता हूँ मैं, कहाँ पे ये यही पे पड़ा हुआ है ये, और पता नहीं इसे पानी में डालने के बाद ये चल नहीं रहा है, बस बाकी आवाज़ ज़रूर कर रहा है ये। इसे हम थोड़ा बना के देखते हैं, कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। तो सब चीज़ सेटअप हो चुका है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है हमारे इसके साथ, मोटर के साथ। देख सकते हैं ये मोटर बस यहीं से दे रहा है, ऊपर से कुछ नहीं गिर रहा है भाई, देखो दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे पानी आना चाहिए लेकिन वो आनी आ नहीं रहा है। तो मैं बहुत जल्दी इसमें एक स्पॉन्ज फिल्टर ऐड कर दूंगा और इससे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं, बहुत कम हवा दे रहा है। और ये है हमारी प्यारी प्यारी सिकलेट, और अब इसे छोड़ेंगे हम आराम से 2-3 दिन और उसके बाद ही इसे खाना देंगे। कम से कम 2 दिन तो छोड़ना ही छोड़ना है, और उसके बाद ही अपना ब्रीड करेंगे जो भी जितने भी दिन में करती हैं, मैक्स टू मैक्स 10 या 14-15 दिन में कर ले तो अच्छी बात है, और देखेंगे फिर इसके बच्चे कैसे होते हैं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा बचाती भी हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा, और मटके भी रखने हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रखेंगे, ये रखना है और स्पॉन्ज फिल्टर और कुछ कुछ और भी काम करने हैं इसमें, और हो सके तो इसमें बैकग्राउंड भी लगाएंगे, तो बहुत सारे काम बाकी हैं अभी। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।